नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गगन सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स अदृश्य मौत। गगन और अदृश्य मौत, लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन जगदीश पंकज, संपादन मनीष चंद्रगुप्त। शहर के उस हिस्से में अफरा तफरी मची हुई थी। पुलिस का खास प्रबंध था। कारण, मंत्री जी चुनाव पूर्व का भाषण देने वहाँ पधार रहे थे। मंत्री जी की कार आ रही है, अलर्ट। मंत्री जी की कार पहुंचते ही उपस्थित भीड़ नारे लगाने लगी, मंत्री जी जिंदाबाद। और ठीक इसी क्षण देखने वालों की सांसें रुक गई। 3 जबरदस्त धमाके हुए। उपस्थित भीड़ की अफरा तफरी चीखों पुकार व भाग दौड़ में बदल गई। भागो भागो, मंत्री जी की हत्या हो गई, भागो। पलक झपकते ही वातावरण कर्फ्यू के समान हो गया। तीनों कारों के ढांचे धूं धूं कर जल रहे थे। उफ, यह सब कैसे हो गया। तीनों कारों में बम फिट थे। इस घटना के दूसरे दिन नीलांचल एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ी चली जा रही थी, जबकि इस स्थान से केवल 7 किलोमीटर आगे उसी पल नील नदी के पुल पर एकाएक एक भीषण धमाका हुआ। परिणाम स्वरूप पटरी का एक लंबा हिस्सा नदी के गर्भ में समा गया। दनदनाती हुई वह आभागी ट्रेन उस पटरी पर से गुजरी। गड़हम, सैकड़ों व्यक्ति उस अदृश्य मौत का शिकार हो गए जो पटरी पर बैठी उस ट्रेन का इंतजार कर रही थी। शहर का सबसे व्यस्त पेट्रोल पंप अचानक एक धमाके के साथ फट गया, धड़ाम। और फट गए वे वाहन जो उस समय पेट्रोल लेने के लिए वहां उपस्थित थे। धड़ाम भड़ाम घुड़ुम, हर तरफ आग ही आग दिखने लगी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियों के साथ फायर ब्रिगेड भी टन टन करती हुई वहां पहुंच गई और खबर इवनिंग न्यूज़पेपर के जरिए पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई। विस्फोटक स्थल पर पुलिस को बम होने का कोई चिन्ह नहीं मिला। कमाल है, अगर बम नहीं था तो फिर विस्फोट कैसे हो गए। एक सप्ताह में तीसरा भीषण विस्फोट। सुपर फैंटास्टिक सुपर मानव गगन शुक्र ग्रह में अनगिनत परीक्षणों से गुजरने के बाद जब वह वापस भारत पहुंचा तो असीमित शक्तियों का मालिक बन चुका था। वही गगन इस समय मोंटी के साथ कोठी के लॉन में उपस्थित था। चलो मोंटी, मुझ पर वार करो। आज तुम्हें दिखाना है कि तुम भी किसी कुशल जूडो कुंगफू कराटे फाइटर से कम नहीं हो। उस्ताद पर हाथ उठाना मेरे उसूलों के खिलाफ है गगन गुरु, लेकिन इस समय मैं तुमसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इसलिए बचाओ मेरा वार। ओह, हवा में ही कलाबाजी खाकर मोंटी पुनः उछला तो इस बार गगन बाईं ओर जंप लगा गया, लेकिन यही वह मार खा गया। मोंटी ने गगन पर वार करने का केवल उपक्रम ही किया था। गगन के बाईं ओर उछलते ही मोंटी ने वार कर दिया। परिणाम स्वरूप मोंटी की ठोकर गगन के सीने पर टकराई, धड़ाक। उफ, इसके बाद दोनों में एक ऐसी जंग छिड़ गई जिसका उद्देश्य न एक दूसरे को परास्त करना था और न ही जीत हासिल करना था। ओह जियो प्यारे खलीफा, तुम तो पूरे शेर हो गए हो यार। दोनों एक बार फिर आमने सामने थे, लेकिन इससे पूर्व कि उनकी जंग पुनः शुरू हो जाती, तालियों का स्वर वहाँ गूंज उठा। दोनों की निगाहें तुरंत घूम गई। ताहिरा, तुम? ताहिरा दीदी? हाँ, बहुत देर से यहीं खड़ी तुम्हारी अनोखी जंग देख रही थी। गगन, तुमने तो इसे पूरा शैतान ही बना डाला है। समाज में पनप रही शैतानों की दुनिया को तहस नहस करने के लिए मुझे एक ऐसे ही शैतान की ज़रूरत थी ताहिरा, लेकिन तुम अचानक, न कोई तार न कोई चिट्ठी, माजरा क्या है। इसे पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। और अखबार का वह कॉलम पढ़ते ही गगन उछल पड़ा। अदृश्य मौत, सप्ताह में 3 भयंकर विस्फोटों से आतंक। विस्फोटों में बम का इस्तेमाल नहीं, पुलिस की छानबीन। विस्फोट कैसे हुए? अदृश्य मौत? हाँ गगन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। चीफ ने तुम्हें फौरन बुलाया है। और ताहिरा के आगमन के केवल 5 मिनट पश्चात। अदृश्य मौत से आतंक फैलाने वाला जो भी है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा ताहिरा। हमें उसे ढूंढना ही होगा, वरना वह भारत में तोड़फोड़ मचा देगा। अचानक गगन को कार रोक देनी पड़ी। यह रास्ता क्यों बंद कर दिया गया है? पता नहीं, कुछ न कुछ चक्कर अवश्य है। तभी एक सब इंस्पेक्टर उनकी कार के निकट पहुंचा। आप यहां से आगे नहीं जा सकते, कार बैक कीजिए। और कारण? कारण बताना हमारे लिए आवश्यक नहीं, जैसा कहा गया है वैसा करो। गगन व ताहिरा बाहर निकल आए। गगन बोला, गगन कारण जाने बिना यहाँ से जाने वाला भी नहीं इंस्पेक्टर। गगन, तुम गगन हो, सुपर फैंटास्टिक गगन, और तुम ताहिरा। हाँ, अब क्या इरादा है आपका? सब इंस्पेक्टर हड़बड़ाकर बोला। आगे खतरा है मिस्टर गगन। पुलिस मुख्यालय में फ़ोन पर बताया गया है कि नेशनल स्टेडियम को ठीक 10 बजे अदृश्य मौत द्वारा उड़ा दिया जाएगा। क्या? ठीक 10 बजे। अभी 10 मिनट बाकी हैं। आओ ताहिरा, जल्दी करो। ओह! कुछ ही क्षणों में दोनों स्टेडियम के मुख्य द्वार के निकट खड़े थे। ओह गगन, तुम? यस इंस्पेक्टर, मुझे उस धमकी के बारे में पता चल चुका है और मैं देखना चाहता हूँ कि यह अदृश्य मौत क्या है जिसने सप्ताह भर में शहर में आतंक फैला रखा है। हम लोग पूरे स्टेडियम की तलाशी ले चुके हैं लेकिन बम नहीं मिले और 10 बजने में केवल 5 मिनट शेष बचे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि विस्फोट कैसे होंगे। यह सुनते ही गगन व ताहिरा के नेत्र सिकुड़ते चले गए। गगन, क्या यह स्टेडियम हमारी आंखों के सामने ही धूल व राख का ढेर बन जाएगा? अगर ऐसा हो गया तो यह हमारे लिए बेहद शर्म व डूब मरने वाली बात होगी ताहिरा। लेकिन यह भी समझ में नहीं आ रहा कि इस स्टेडियम को बचाया कैसे जाए। गगन का मस्तिष्क तेजी के साथ दौड़ने लगा, ठीक किसी कंप्यूटर के समान। उफ, केवल 2 मिनट। ओह गॉड! हथियारबंद सिपाही किसी भी क्षण फायर करने के लिए तैयार खड़े थे लेकिन कोई दुश्मन तो नजर आए। केवल 2 मिनट। बुरी तरह उत्तेजित ताहिरा स्टेडियम की ओर देखती हुई बड़बड़ाई। यह स्टेडियम नहीं बचेगा गगन, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा मत कहो ताहिरा। मैं और यही वह पल था जबकि गगन बुरी तरह से उछल पड़ा। अरे! आंखें आश्चर्य से फट पड़ी उसकी। आंधी के समान वह दौड़ा। इसे एकाएक क्या हुआ? उस मेन हॉल के नीचे कोई है? गगन ने लाल अंगूठी का बटन दबा दिया। चिंगारियां मेन हॉल के ढक्कन से टकराई। एक पल की देरी किए बिना गगन गटर में उतर आया। आज तुम्हें बचकर नहीं भागने दूंगा, अदृश्य मौत के निर्माता। नीचे उतरते ही उसे एक साया गटर के मोड़ पर चमका। ओह, वह रहा उस मोड़ पर। मोड़ के निकट पहुंचते ही एक पल के लिए गगन को अपनी नानी याद आ गई। उफ! शीघ्र ही उसने उस नकाबपोश को उसकी दादी नानी याद करवाने का फैसला कर लिया। बेटा, यहाँ रुककर तो तूने अपने भागने का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। इसी पल गगन एक तरफ हट गया। नकाबपोश दीवार से टकराया ही था कि गगन की एक ठोकर ने उसकी पीठ का पंजर हिला दिया। भला किसी फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए गगन ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और ओह! गगन के घुटने की पीड़ा वह न सह सका। नीचे झुका तो 2 हथौड़े ने उसे गटर के पानी में नहाने के लिए मजबूर कर दिया। कुत्ते! इसी क्षण गटर की गंदी बदबू में गगन ने खतरे की गंध भी सूंघ ली। पानी पर तैर रहा पेट्रोल! सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, आग भी नाच उठी। ओह नो, आग! इसका मतलब इसका दूसरा साथी भी है। गगन कूदकर आमने सामने की दीवारों पर टंग गया। उफ, आग की गर्मी! जल्दी से उस तरफ पहुंचना होगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति आग में भुट्टा बनने से नहीं बच सका। हाथ पैर जमाए हुए गगन दूसरे छोर पर पहुंचकर नीचे कूदा। वह निकल न गया हो लेकिन सामने का दृश्य देखते ही उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान नृत्य कर उठी। मोंटी! पास आते ही गगन ने शीघ्रता से पूछा, मोंटी, यह तुम्हें कहाँ मिल गया? बाहर इस हॉल के निकट खड़ी कार से पेट्रोल गिराने के पश्चात आग लगाकर भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने काला चोर समझकर जाने नहीं दिया। तभी ताहिरा सहित बहुत से पुलिस वालों के साथ इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच गया। यह कौन है गगन? पहले आप ये बताएं कि स्टेडियम के किसी हिस्से को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? बिल्कुल नहीं गगन। वेरी गुड। अब सुनो इंस्पेक्टर, इसका एक साथी इसी की लगाई आग से मारा गया है। ये दोनों स्टेडियम को उड़ाना चाहते थे। अगर एक पल बाद मेरी निगाहें इन पर पड़ती तो। अब आप यहाँ कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं और इस बेहोश व्यक्ति को पूछताछ के लिए मैं आपकी जिम्मेदारी पर छोड़े जा रहा हूँ। गटर से बाहर निकलकर तीनों एक बार फिर कार में सवार हो गए। कार में ही मोंटी ने अपने विशेष अंदाज में पूछा, अरे हाँ गगन उस्ताद, एक बात तो तुम्हें बतानी मैं भूल ही गया। वह भी कह डालो। बात कहने की नहीं है बल्कि दिखाने की है। यह देखो। यह क्या है? मालूम नहीं, यह मुझे दूसरे व्यक्ति के पास मिला है। ओह गगन, यह रिमोट कंट्रोल जैसी चीज क्या हो सकती है? हो सकता है यही वह वस्तु हो जो अदृश्य मौत बन जाती हो। ताहिरा, अब हम चीफ के पास जाने के बजाय पहले प्रोफेसर अंकल के पास चल रहे हैं। वे ही इस उपकरण के विषय में बता सकते हैं। ओह! गगन ने कार प्रोफेसर किशन लाल की प्रयोगशाला की तरफ घुमा दी। शीघ्र ही समुद्र के किनारे। मुझे कसकर पकड़ लो ताहिरा। मोंटी, हम लोग उड़कर अंकल की प्रयोगशाला में पहुंचेंगे। गगन ने हरी अंगूठी का सूक्ष्म बटन दबा दिया। परिणाम स्वरूप वे तीनों हवा में उड़ने लगे कुछ ही देर में। तो ये है वो उपकरण, लेकिन इसमें तो लगता है पानी जा चुका है। ऐसा मुमकिन है अंकल, लेकिन आपको इस उपकरण की कार्यप्रणाली का पता लगाना होगा। अगर यह अदृश्य मौत से संबंधित है तो इसके जरिए हम इसके निर्माता तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है वह इस उपकरण को ढूंढने की चेष्टा करे। मुझे शाम तक इसका परिणाम चाहिए अंकल, और यह बहुत आवश्यक है। मैं पूरी कोशिश करता हूं गगन, अगर भगवान ने चाहा तो सफलता अवश्य मिलेगी। प्रोफेसर किशन लाल पूरी लगन के साथ उस उपकरण को समझने की चेष्टा करने लगे। अगर इसका सर्किट समझ में आ जाए तो बात बन सकती है। गगन बेसब्री से किसी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। ताहिरा, अगर उस उपकरण की खोज की गई तो यह कार्य रात से पूर्व किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या जरूरी है कि इसकी खोज ही की जाए? ज़रूरी है। अदृश्य मौत का निर्माता अदृश्य मौत का रहस्य कभी खुलने देना नहीं चाहेगा। आज इवनिंग न्यूज़ में वह हमारी मुठभेड़ के बारे में पढ़ेगा, लेकिन जब वह न्यूज़पेपर में उस उपकरण के विषय में कुछ नहीं पढ़ेगा तो वह उसे तलाश करवाने की चेष्टा करेगा, और उसकी यही हरकत उसे महंगी पड़ने वाली है। तभी प्रोफेसर का स्वर उनके कानों में पड़ा। गगन, पानी लगने से इसका सर्किट तो बिल्कुल जल चुका है, लेकिन इसमें मैंने एक विशेष किस्म की गैस के लक्षण नोट किए हैं जो किसी भी धातु के साथ रिएक्ट होकर विस्फोटक स्थिति पैदा करती है। ओह, बस मुझे यही जानना था। यही रहस्य है उन विस्फोटक का। थैंक यू अंकल, और अब हम अदृश्य मौत से टक्कर लेने जा रहे हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।